तरेआम सड़क पर हुड़दंग और दादागिरी की तस्वीर नेशनल हाईवे 91 की है। दर्जनों गाड़ियों में दबंगई करते ये लोग गुर्जर समुदाय के बताए जा रहे हैं। ये सभी जाटों के गांव की तरफ उनके साथ दो दो हाथ करने पड़ रहे थे। शुक्रवार को सड़क पर नंगे बदन गाड़ियों के दरवाजों और खिड़कियों से लटकते हुए ये अराजकता पैदा करते, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हालांकि दोनों गुटों का टकराव होता और खून खराबा मचता, उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इनमें से करीब 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल जाटों और गुर्जरों के बीच झगड़े की शुरुआत कुछ दिनों पहले कार एक्सीडेंट से हुई। गाजियाबाद के लाल कुआं के पास बमहेटा गांव के कुछ युवकों ने बादलपुर के अच्छेजा गांव के युवक की कार में टक्कर मार दी थी। दोनों पक्षों में उस घटना के बाद मारपीट हुई और केस भी दर्ज किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहे। मामला बढ़ा तो पंचायत बुलाई गई, लेकिन उससे भी हल नहीं निकला। शुक्रवार को बमहेटा गांव के गुर्जर अच्छेजा गांव के लिए निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई, वो इन तस्वीरों से साफ है। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज कर टकराव को टाल दिया, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है।